बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं केक, जो आपके साथ देखिए मैं शेयर करी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी। देखें, चार मैंने अंडे ले लिए और एक कप मैंने चीनी लिए और एक कप मैंने ऑयल लिया है और दो कप मैंने मैदा लिया है और दो टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, ये वाला केक वाला, और वनीला सेंस भी ऐड करेंगे। जैसे साथ साथ बनाती जाती हूँ फिर आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी मैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले अंडे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभी अंडे तोड़ के इसमें ऐड कर दूंगी मैं। देखिए, मैंने इसके अंदर चारों अंडे ऐड कर दिए। सबसे पहले अंडे को अच्छे से हम बीट कर लेंगे मशीन की मदद से। इसको बीट करके मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए, एक मिनट तक मैंने अंडे को अच्छे से बीट कर लिया है और इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर देंगे साथ में, और मैंने फ्रूट कलर लिया था आधा टीस्पून, वो भी ऐड कर देंगे, और ये वनीला एसेंस भी ऐड करेंगे दो टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छे से अभी हम बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से हम बीट करके फिर आपको दिखाते हैं, फिर इसका बैटर रेडी करेंगे, फिर आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से बीट हो रहा है। देखिए, इसको अच्छे से हम बीट करके इसको बंद कर देंगे। देखिए, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया, इसको हम निकाल लेंगे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बहुत अच्छे से बीट हो गया है। इसको अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको दिखा। बिस्मिल्लाह, इसमें हम बॉल में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम मैदा इसमें ऐड करेंगे, जिससे मैंने चीनी ली थी। मैंने इसी कप से ही सब चीज़ें नाप के ऐड की है। सबसे पहले हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे छान के अच्छे से। एक कप हम अभी डालेंगे, एक कप हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए, अब इसके अंदर ये बैटर ऐड कर देंगे सभी। इसको अच्छे से हम मिक्स करके इसके अंदर मैदा ऐड करते जाएंगे। देखिए, इसके अंदर मैदा, इसको अच्छे से हम करेंगे, इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रह जाए। अभी हमने एक कप डाला है इसके अंदर और एक कप अब रखा हुआ है, वो भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा डाल के, इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। इसको हम रख देंगे रेस्ट होने के लिए 5 से 6 मिनट तक। देखिए, हम ये मैदा भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। आधा हम अभी आराम आराम से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं सभी अच्छे से इसको मिक्स करके हम फिर अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने इसके अंदर बादाम ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने बारीक से पीस लिए थे, वो ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ बिल्कुल थोड़ा सा, 2 चुटकी। खुशबू के लिए डाल रही हूँ, आपके पास हो तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो मुश्किल नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक इसको रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। देखिए, माशाल्लाह हमारा बैटर बहुत अच्छा बन गया, केक का बिल्कुल स्मूथ सा बना है। देखिए, इसको अभी हम अच्छे से चम्मच से उतार के इसको कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से कवर करके इसको हम रख देंगे। इसको भी हम कवर कर देंगे। ये भी हम इसके अंदर केक वाले खांचे में ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया नीचे से, ऑयल लगा के
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम अच्छे से सभी को इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे। इसको भी हम सेट कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसके अंदर बादाम और पिस्ते ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से हम यहाँ बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे। और मैंने पतीला गर्म करने के लिए रख दिया है। हमारा जैसे अच्छे से पतीला गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर इसको पतीले में रख के अच्छे से बेक कर लेंगे। देखिए, इसको भी हमने पतीले को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ये केक वाला पैन रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आराम से रखेंगे अच्छे से। इसको बिल्कुल बराबर रख देंगे। इसको मैं वापस कवर कर दूंगी। इसको हम स्लो आंच पे पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा केक अच्छे से बेक नहीं हो जाता। इसको मैं आपको इसकी टाइमिंग बताती हूँ अभी। और देखें, अभी इसकी मैंने आंच, अभी मैं आपको इसकी आंच दिखाती। देखिए, मैंने इसकी आंच बिल्कुल स्लो आंच पे इसको रखा हुआ है। इसकी अभी हम थोड़ी सी आंच और स्लो करेंगे। इसको 25 से 20 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से कुक होने में। अगर ये अच्छे से केक हमारा पक जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसको हम फिर रख सकते हैं। इसको हम बीच बीच में चेक कर लेंगे, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। जी मम्मा, देखिए हम इसके ऊपर मोटा कोई कपड़ा डाल देंगे। ये मेरे पास टॉवल था तो मैं यही है, इसके ऊपर अच्छे से इसको हम बंद कर देंगे। इसमें कोई भाप बाहर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाथों का आपने ख्याल कीजिएगा, बहुत ही गर्म है पतीला, इसको आप आराम से रख सकते हैं। और मैं इसके ऊपर कोई वज़न रख दूँगी। अपने केक को चेक करेंगे। मैंने इसके ऊपर वज़न भी रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आप मैं करीब करके दिखाऊँगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर मैं स्टिक लगा के देखेंगे, हमारा केक अच्छे से बेक हो गया। और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा सा केक हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए अभी इसको बीच में थोड़ा सा, ये देखिए अभी ये कच्चा है, बीच में जैसे पक जाएगा उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अभी इसको मैं वापस कवर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपको चेक करने के लिए दिखाया था। इसके ऊपर हम वापस वज़न रख देंगे। 25 से 30 मिनट लग जाते हैं इसको बेक होने में। देखिए अपने केक को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। देखिए हमारा केक बन के रेडी हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बन गया। इसको हम निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे, फिर आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। और मैंने इसका चूल्हा भी बंद कर दिया है। इसको बिल्कुल एहतियात से निकालिएगा, बहुत गर्म है पतीला, अपने हाथों का ख्याल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया हमारा केक, और कितना अच्छा सा बेक हो गया है, बहुत ही अच्छा सा। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको निकाल लिया है और माशाल्लाह हमारा केक बहुत अच्छा बना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा केक बन गया है। इसको अभी मैं आपको काट के भी चेक कराती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी। और हमें कमेंट करके भी बताएं, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो आपको बहुत मिलती जाएगी। और इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।